देख सकते हो जितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वहाँ के जो है सीनारियो जो आप देख सकते हो, यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही है, महाभारत का जो है वो सीन है आप यहाँ पर देख सकते हो। सब जगह पर देखिए घास लगा हुआ है, साथ ही में जो है यहाँ पर सूप लगा हुआ है जहाँ पर उस चावल को ये करते हैं। पूरा जो है देखिए यहाँ पर पूरा जो है घास का जो है बनाया गया है। सो गाइस बंगाल का ना ये एक मज़ा है ना कि 12 महीना में ना 13 त्यौहार होते हैं। जैसे कि चल रहा है दिवाली, तो दिवाली के साथ साथ यहाँ पर जो है होता है काली पूजा। जैसे कि हम हर साल जो है काली पूजा के वीडियो करते हैं, तो आज कोशिश करेंगे ज़रा बाहर घूमेंगे। आज मैंने सोचा है कि नहीं, ज़्यादा से वक्त जो है मैं अपने घर पर बिताऊँगा, तो उतना ज़्यादा जो है व्लॉग नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे अच्छे जो है यहाँ के काली पूजा के जो पंडाल्स है थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे और मज़ा करेंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज आपके भाई ने पूरा एथनिक जो है पहना है, कुर्ता जैकेट। यूजुअली बहुत ही कम मौका मिलता है कपड़ा वगैरह पहनने, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में तो ज़्यादा बाहर जाने मिलता नहीं है। तो चलो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलते हैं बाहर जाके देखते हैं कि बाहर का नज़ारा वो कैसा है। सो गाइस एवरी ईयर जो है हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पूजा की, जो है ये वाला पूजा। ये जो पूजा है ये है आपका कल्याणी के सेंट्रल पार्ट में अंदर की तरफ जो है पूजा है, और पंडाल जो है आप देख सकते हो सेम जो है वो चीज़ बनता है, कपड़े का पंडाल है। साथ ही में जो है ये जो फ्रेम देख रहे हो सब लकड़ी से बना हुआ है। तो फिलहाल ये है फर्स्ट स्पॉट, ये देखते हैं इसके बाद चलते हैं किसी और स्पॉट में। आज जो है रैंडम वो ब्लॉग हम करेंगे नहीं, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके करके फटाफट घर पर जा सकें। तो बस ये जो है सेकंड स्पॉट है, और ये भी जो है आपका सेंट्रल पार्क में ही है, कल्याण सेंट्रल पार्क में। इनका जो मैंने देखा है कि सेम पैटर्न का जो है महाकाली बनता है, लास्ट ईयर भी अगर आपने देखा होगा तो सेम जो है ये बना हुआ था। और पंडाल जो है काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो एकदम सिंपल जो है डेकोरेट किया गया है। और यूजली आप सब जगह देखोगे बहुत जगह जो है वो सिंपल डेकोरेट जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि आई थिंक कोविड की वजह से जो है उतना जो है चीज़ वाइप नहीं किया जा रहा है। तो अब ये देखिए था अपना सेकंड स्पॉट, अभी जो चलते हैं थर्ड स्पॉट में। ये भी सेंट्रल पार्क में ही है, रास्ते के बीचों बीच जो है वो पूजा किया जाता है। इसके बाद जो है और स्पॉट या तीन जो है स्पॉट हम ढूंढेंगे, वहाँ पर जाके देखेंगे कि वहाँ का जो पूजा वो कैसा है। और यहाँ का ये कि बहुत ही अच्छा लगता है ना कि जब त्यौहार आने शुरू होते हैं ना, तो पंडाल के पीछे बोलो या एक अरेंजमेंट जो होता है उसके पीछे इतना अच्छा खर्चा करते हैं कि एक आई कैचिंग जो है वो चीज़ बनता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा पिछला जो हमने देखा था वो भी वो जो बना हुआ है। फिलहाल अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि और यहाँ पर कल्याणी में कितने अच्छे अच्छे पंडाल जो है वो बने हैं। तो गाइस ये जो है हमारा थर्ड स्पॉट है, और ये भी जो है सेंट्रल पार्क में है। ये आप देख सकते हो सेंट्रल पार्क का जो है चौक है, और ये देखिए आई थिंक मुझे लगता है कि ये टेम्पो स्टैंड का जो है पूजा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़ा और लकड़ी, और वहाँ पर जो ऊपर आपने देखा होगा ना वो सारे के सारे जो है जूट के जो बास्केट्स होते हैं ना उससे बना हुआ है, बैम्बू के जो स्टिक्स होते हैं उससे बनाया गया है। और ये था हमारा थर्ड पूजा। इसके बाद जो है हम और दो पूजा जो है वो कवर करेंगे, देखते हैं कि वहाँ का पूजा जो है वो कैसा है। और पूजा जो है अभी तक जो है स्टार्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट होते जो रात के 10 बजेंगे,
ऐसे कहा गया है कि आज जो है अमावस्या जो है वो काफ़ी पहले जो है स्टार्ट हो चुका, तो माइट बेस हो सकता है पूजा जो है वो जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए। सो गाइस, ये जो है हमारा फोर्थ स्पॉट है और ये जो है पेंगुइन क्लब है जो करीब करीब 14 नंबर और आई थिंक जो नीम तला है वहाँ के करीब है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ना, पूरा जो है घास को जो है रिप कर करके जो है बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये है वो सूप जिस पे चावल और धान को जो है वो छाना जाता है और काफ़ी भव्य जो है ये बनाया गया। आप देख सकते हो ये देखिए कितना ऊँचा जो है इसका हाइट है और काफ़ी अच्छा जो ये बनाया हुआ है। ये था हमारे लिस्ट का फोर्थ और इनका जो है एवरी ईयर जो है काफ़ी अच्छा बनता है। लास्ट ईयर जो है इतना ये नहीं था, बट जैसे जैसे दिन जा रहा है कोविड से थोड़े कम हो रहे हैं, शायद इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट ईयर शायद ऐसे हो सकता है कि और भी जो अच्छा वो आए। यहाँ से है एंट्री, तो करते हैं एंट्री अंदर। और ये है इनसाइड। देख सकते हो जितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वहाँ के जो है सीनारियो जो आप देख सकते हो, यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही है, महाभारत का जो है वो सीन है आप यहाँ पर देख सकते हो। सब जगह पर देखिए घास लगा हुआ है, साथ ही में जो है यहाँ पर सूप लगा हुआ है जहाँ पर उस चावल को ये करते हैं। पूरा जो है देखिए यहाँ पर पूरा जो है घास का जो है बनाया गया है, पूजा है वो यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हो ना काफ़ी अच्छा रखा गया है, साथ ही में प्रशासन की तरफ से जो है पुलिस के लोग भी जो है यहाँ पर हैं और ताकि सेफ्टी जो है वो बनाए रहे और किसी भी किस्म का एमरजेंसी जो है वो ऑकर ना हो, ये चीज़ का बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कवर कर लिया है, अभी चलते हैं हमारे फाइनल स्पॉट पर, देखते हैं कि वहाँ का जो है वो कैसे बने। चार पंडाल जो हमने देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी अच्छा जो है पंडाल लगा। और अब जैसे कि हम लोग बाहर घूम रहे हैं ना, तो हल्का सा गर्मी जो है वो फील हो रहा है क्योंकि अंदर का कुर्ता जो है वो अभी स्वेट कर रहा है, छिपक रहा है। और ठंड जो है अभी तक उतना बड़ा नहीं है, हल्का लगा लग रहा जब हम घर से निकले थे। फिलहाल अभी देखते हैं कि फिफ्थ स्पॉट जो हम लोगों का ऐसा है, लास्ट स्पॉट है, घूमते हैं ज़रा वहाँ पर देखते हैं। अभी जो है माइक जो है ये बंद हुआ है और ये जो है हमारा फिफ्थ स्पॉट है। और ये जो है 14 नंबर बस स्टैंड से आप सीधा जब आओगे तब यहाँ पर यहाँ का 14 नंबर का जो है ये मार्ट, उसका जो है पूजा है। बहुत ही आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल वे में जो है इन्होंने किया है, डेकोरेशंस जो है वो इतना जो है अप टू द मार्क सिंपल। अगर आप कहो तो कपड़ों का एक टेंट वगैरह किया हुआ है, बट बहुत ही अच्छा है। और स्पेस आप देखिए पूरे ग्राउंड के बीच में जो है पूजा किया गया है और यहाँ पर जो है डेकोरेशंस वगैरह किया हुआ है। सबसे बेस्ट चीज़ आपको ये लगता है ना कि सिंपल में काफ़ी अच्छा पंडाल बना है और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वो लग भी रहा है। पूजा जो है ऑलमोस्ट शायद हो चुका है, अंजलि जो है अभी वो हो रहा है और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली आज का टाइमिंग जो है पूजा का वो क्या है, बट देखते हैं पूजा जो है कब तक वो ख़त्म हो। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल
जितना हमें आंखों के सामने दिखा हम लोगों ने आप लोगों को दिखा दिया। दुर्गा पूजा तो आप लोगों ने देखा, अब काली पूजा देख रहे हैं। ये जो है चल रहा है आपका पुष्पांजलि। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक में अगर आप देख रहे हो तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिए। सो ऑन दैट नोट इस वीडियो को यही पर समाप्त करता हूं। एज ऑलवेज बी काली काली इन देन साइनिंग ऑफ दिस महाकाली ट्रेंड सेटर रणवीर काली के।